नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय, सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। आज भी मैंने शराब नहीं पी, बहुत ही अच्छा दिन बिताया दोस्तों। आज एक ही दिन में ये मेरी दूसरी स्पीकर मीटिंग है, भगवान की कृपा से और एक ही फेलोशिप से एक उपयोगी जीवन जीने का मौका आज मिल रहा है दोस्तों। एक निकम्मा नकारा इंसान कहीं तो भी आज काम के लायक बना है, किसी के काम के आने लायक, उसके अनुभवों का किसी ने किसको फायदा हो पा रहा है। यह मेरे एक जीवन की दोस्तों बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। आज इस ग्रुप ने भी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आओ ना फिर, ये जो लेट नाइट मीटिंग चलती है दोस्तों, इसने भी हम जैसे शराबियों को सोबर रखने में बहुत मदद की है। महेंद्र भाई और पूरी टीम का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ 3 साल पूरे करने पे। भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ये ऐसा ही ऑनलाइन मीटिंग का सफर इस ग्रुप का चलता रहे और हम जैसे शराबियों को मदद मिलती रहे। दोस्तों, जो टॉपिक रखा है आज, माय रॉक बॉटम। जब भी मैं अपने उस अल्कोहलिज्म के दौर को याद करता हूँ तो आज भी दोस्तों कांटे खड़े हो जाते हैं, सिहरन आती है। लेकिन मैं इतना मतलबी और नालायक बेवड़ा था कि न जाने कितने ऐसे रॉक बॉटम मैंने अनुभव किए थे, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों मेरा डिनायल गया नहीं था। ये इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आने के बाद ही दोस्तों आप जैसे शराबी भाइयों के अनुभवों से मुझे उस रॉक बॉटम को पहचानने की, उसको तय करने की सद्बुद्धि आई और तब जाके मैं यहाँ रुका। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिलने के बाद भी शुरुआत में दोस्तों मैं विलिंगली अपने मन से तैयार नहीं हुआ। तो जो कहते हैं कि एक अल्कोहलिक में बहुत ही एड़े छड़े भरे रहते हैं, मराठी में कहते हैं, मेरे साथ में भी वो थी चीजें। जबकि 15 सालों के शराबी जीवन में मेरे जैसे व्यक्ति ने ऐसी ऐसी गिरावट देखी है दोस्तों कि शायद उस गिरावट को देखने के बाद मैं रुक जाना चाहिए था। लेकिन एक मेरे जैसा शराबी दोस्तों बहुत ही इगोइस्टिक रहता है, ऐसा ईगो से भरा हुआ रहता है कि उसके पाँव कब्र में लटके रहते हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं रहता। इसीलिए तो इस अल्कोहलिज्म को डिजीज ऑफ डिनायल भी कहा गया, न मानने वाली बीमारी। आज इस विषय पे बात करते हुए दोस्तों मैं इतना कंफ्यूज हूँ, इतना कंफ्यूज हूँ कि मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन सारे किस्सों को बताऊँ तो बताऊँ कैसे। उनको याद करके ही दोस्तों बिल्कुल सिहरन होती है और लज्जा भी आती है कि इतने सारे किस्से तेरी जिंदगी में हुए थे, शर्मनाक, लोगों की नजरों में गिरने वाले और अपने आप की नजर में भी गिरने वाले, उसके बावजूद तू रुका क्यों नहीं? तो कहीं तो भी दोस्तों उस वक्त सारी चीजें समझने के बाद भी, लोगों ने समझाने के बाद भी, यदि मैं नहीं रुक रहा था तो इसका कारण एक ही है, अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी। ए में आने के बाद ही इस बीमारी के बारे में समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी और अब बहाना नहीं बचा कि अब मैं अपने आप के बारे में नहीं जानता हूं। ए में आने के पहले
जो भी हादसे मेरे साथ में हुए, जो भी दुर्घटनाएं मेरे साथ में हुई, अवेयरनेस नहीं होने की वजह से, जानकारी नहीं होने की वजह से, वो सारे शर्मनाक हादसों के बावजूद मैं बार बार शराब की तरफ गया। समझ ही नहीं आ रहा था। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये बहाना हमारे पास नहीं रहता, क्योंकि इस मीटिंग को ज्वाइन करने के बाद में ना सिर्फ हमारा रॉक बॉटम हमको याद आ जाता है, बल्कि ये भी याद आ जाता है कि हम एक अल्कोहलिक पर्सनालिटी है और हम कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकते, अपनी जिंदगी को अपनी बदौलत ठीक नहीं कर सकते। और इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में अब तय करना मेरे हाथ में होता है कि यहाँ से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ या पीछे जाना चाहता हूँ। दोस्तों, शराबीपन मैंने अपने घर में ही देखा था, मेरे पिताजी भी शराबी थे। मरते मरते बचना, नौकरी जाना, अपमानित होना, घर में कलह, ऐसी अनगिनत चीजें मैंने उनकी जिंदगी में देखी थी दोस्तों। और मुझे लगता है कि वो मेरे पिताजी का रॉक बॉटम था, जो उन्होंने भी नहीं माना था। मगर मैं ये देख रहा था कि एक शराबी कैसे बर्बाद होता है, और उसके साथ में उसके परिवार को भी क्या-क्या यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं, कितनी अभाव की जिंदगी जीनी पड़ती है। मैं अच्छी संगत में था, अच्छी पढ़ाई चल रही थी, और दूर दूर तक शराब के कोई ख्याल नहीं थे। लेकिन दोस्तों, कॉलेज में जाने के बाद में मेरी जिंदगी में पहली बार शराब आई। घर में परिस्थितियां बड़ी खराब थी, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों मेरी जिंदगी में जो शराब आई, वो किसी तनाव की वजह से या परेशानी की वजह से नहीं आई। अपने आप को मैं कॉलेज में जाने तक बचा कर रखा था, अच्छी संगत में था, अच्छा सोशल इन्वॉल्वमेंट था मेरा। लेकिन कॉलेज में जाने के बाद में एक दोस्त के यहाँ छोटा प्रोग्राम था, और वहां पहली बार मेरी जिंदगी में शराब आई, बहुत ही थोड़ी थोड़ी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था दोस्तों कि ये जो शराब मैं आज पी रहा हूं, मेरी जिंदगी में इतने बुरे, इतने खराब, इतने भयानक दिन दिखाने वाली है। एक कम समय में एक बहुत अच्छा नाम मैंने बनाया था, पढ़ाई लिखाई में होशियार है, सोशली एक्टिव है, बहुत सारे गुण हैं, बड़े बड़े लोगों में, बुजुर्गों में बैठना है, वो सारी मेरी मिट्टी पलीद हो गई दोस्तों। लेकिन इस बार इसका अंदाजा मुझे नहीं था। मगर ये नहीं कह सकता हूं दोस्तों कि भगवान ने मुझे संकेत नहीं दिए। बिल्कुल शुरू शुरू में ही वो हादसे मेरी जिंदगी में होने लगे, लेकिन आई एम डिफरेंट वाली फीलिंग होती है शराबी में, जो कि हमारे अंदर के किंग बेबी सिंड्रोम से आती है। ये सारी चीजें ए में आने के बाद ही जानने को मिली कि माँ के गर्भ से ही हमारे अंदर में अपने आप को बादशाह समझने की फीलिंग आ जाती है, किंग बेबी सिंड्रोम। औरत है तो क्वीन बेबी सिंड्रोम, और आदमी है तो किंग बेबी सिंड्रोम। एक ओमनीपोटेंस की भावना, सर्वशक्तिमान, विशेष होने की भावना। और यही भावना दोस्तों माँ के गर्भ से बाहर निकलने के बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं, अगर वक्त के थपेड़ों ने हमको अगर नहीं सुधारा, हम नहीं सुधरे, तो चाहे कितने भी उम्र हो जाएंगी, ये भावना जाती नहीं है। तो ये जो आई एम डिफरेंट वाली जो फीलिंग है कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ, बाकी लोगों के साथ में हुआ है, मेरे साथ में नहीं होगा, यही चीज दोस्तों हमारा बेड़ा गर्क कर देती है। मेरा भी वही हुआ। मैं अपने घर में बर्बादी देख चुका था, मैंने बाहर में लोगों को मरते हुए, बर्बाद होते हुए देखा, उसके बावजूद मेरी जिंदगी में मैंने शराब आने दी, क्योंकि
बावजूद इसके कि मैं पढ़ा लिखा था। और फिर कुछ ही दिनों के बाद में मेरी जिंदगी का पहला सबक मिल गया। होली का त्योहार आने वाला था, उन्हीं दोस्तों ने बोले, अरे आना बोले घर की तरफ, एंजॉय करेंगे। और उस जिंदगी की पहले ही होली ने मुझे सबक दे दिया था, कितनी शराब पी, किस किस प्रकार की शराब पी आज तक मुझे याद नहीं, लेकिन जब मेरी आंखें खोली तो मैं अनजान व्यक्ति के घर में खटिया पे पड़ा था, लोग घूर रहे थे और मेरे दोस्त लोगों को समझा रहे थे, अरे ये हमेशा नहीं पीता बोले, कभी कभार पीता है बोले। जो शर्म मुझे आ रही थी अपने आप पे, तो उन दोस्तों के बोलने से कम हो गई, अरे हाँ यार अपन तो क्या हमेशा वाले थोड़ी है, हो जाता है। दोस्त भी बोल रहे थे, अरे थोड़ी ज्यादा हो गई बोले उसको। वो बेशर्मी शुरू हुई दोस्तों आज। मेरे लिए वो मेरा बॉटम हिट करना हो सकता था, मैं पढ़ा लिखा इंसान, अच्छे लोगों में बैठने वाला, और शराब ने मेरे क्या हाल बना दिए थे कि मुझे समय नहीं पता चल रहा है, कितनी शराब मैंने पी, होश में नहीं हूं, लेकिन सबक सीखेगा तो वो बेवड़ा कैसा। और फिर उसके बाद में दोस्तों सेल्फ जस्टिफिकेशन, अपने आप को जायज ठहराना और बार बार दारू की तरफ चले जाते जाना। पहले फोकट में शराब मिलती थी तो पी लिए, किसी ने पिला दी तो पी लिए, कोई साथ में है तो भी पी लिए, लेकिन कैसे मेरी शराब गरज बन गई पता भी नहीं चला। घर में झूठ बोलना शुरू हो गया, अर्निंग लर्निंग करता था तो जहाँ काम करता था वहां पे छोटी मोटी हेरा फेरी शुरू हो गई। एक टेलीफोन बूथ पे काम करता था मैं, और वो पुराने दिनों में वो डब्बा था, सिक्के वाले डब्बे, तो मेरे पहले आए हुए आदमी ने थोड़ी हेरा फेरी सिखा दी, तो शाम का जुगाड़ करने के लिए 15-20 रुपए की हेरा फेरी वहां से शुरू हो गई। शराब ने चोर बना दिया। अब ये मेरा रॉक बॉटम नहीं है तो क्या हो सकता है, लेकिन कहां मानेगा आदमी। धीरे धीरे दोस्तों मैं कैसे शराब की गिरफ्त में आते चले गया, मैं कैसे शराब का आदि बनते चले गया पता ही नहीं चला। और शराब भी ऐसी थी कि मैं ब्लैकआउट में जा चले जाता था। जिन लोगों के साथ में मैं शराब पीने बैठता था, पीते पीते मैं बिल्कुल बेहोश होने की हद तक शराब पीने लग गया। लोग मुझे उठा कर ला रहे हैं और वही बहाना, अरे थोड़ी ज्यादा हो गई। अरे भाई चार लोग मुझे उठाकर घर में लेकर आ रहे हैं, या फिर मैं कभी सड़कों पे लहराते हुए जैसे तैसे घर पहुंच रहा हूँ। धीरे धीरे लोगों में सारी बातें फैल रही है कि अरे ये तो पीना चालू कर दिया और बहुत पी रहा है। धीरे धीरे मैं जो सामाजिक प्रोग्रामों में मेरी सहभागिता थी वो कम होने लग गई। दारू के लिए उधार करना, लोगों के पीछे पड़ना, झूठ बोलना, सारी चालू हो गई दोस्तों। मैं मानने को तैयार नहीं। मैं जिस प्रोफेशन में आज हूं तो उसकी सारी पढ़ाई आखिरी सालों की मेरी शराब पीने में ही चली गई। शराब पीकर ही मैं पेपर छुड़ाकर एक व्यवसाय में गया, लेकिन दारू का ही शौक वहां लेकर चले गया। 24 आवर्स का शराब। हालत ऐसी हो गई थी कि अपनी बैग में मुझे बॉटल लेकर जानी पड़ती थी, और अपने काम धंधे पे भी मैं शराब पीकर ही रहता था, मगर मैं मानने को तैयार नहीं। लोग समझा समझा के थक गए, साथ में पढ़ने वाले दोस्त, फिर काम धंधे पर के सहपाठी लोग, घर के लोग तो बिल्कुल दाल बराबर, किसी की भी सुनने के लायक। आखिरकार धीरे 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 मेरा बायकॉट होते चले गया। और फिर एक जिंदगी में बहुत बड़ा सबक मिला कि जो भी मैं, वो भी मेरा रॉक बॉटम ही था दोस्तों। 12 कदम 12 परंपराओं की जो पुस्तक है उसी में ये बॉटम हिट करना सारी चीजें आती है, जिसमें साफ तौर पे इसको परिभाषित किया गया है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें मेरे जैसा शराबी अपनी बर्बादी के तल को छू लेता है, मन से ये महसूस कर लेता है कि नहीं रे बॉस,
अब मेरी बर्बादी हो चुकी। उसी को कहते हैं कि अपना बॉटम हिट करना, और रॉक बॉटम बोलो तो बिल्कुल गिरी हुई गिरी से भी गिरी गिरावट। और ये हर शराबी को अपने अनुभव से अपने आप तय करना पड़ता है, हमारे लिए कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। हर शराबी को अपना बॉटम तय करना है कि क्या उसकी गिरावट हो चुकी है, क्या उसने वो तलछट का जो आखिरी जो अंदरूनी हिस्सा है उसको छू लिया है, क्या वो मान लेता है कि भाई उसकी बर्बादी हो चुकी है। उसी को बॉटम हिट करना कहा गया है, अपनी बर्बादी के तल को छू लेना, मान्य कर लेना, कबूल कर लेने का, नहीं बस हो चुकी मेरी बर्बादी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इतिहास में बताते हैं दोस्तों कि शुरुआत में ए में ऐसी ही केसेस थी ज्यादातर, जिसको लो बॉटम केसेस कहते हैं। लेकिन आज बहुत खुशनसीबी की बात है दोस्तों कि अब ए में ऐसे भी लोग आए हैं, आ रहे हैं, कि जिनकी बहुत ज्यादा बर्बादी नहीं हुई, अपनी दूसरों के जैसी बहुत ज्यादा बर्बादी करने के पहले ही। ऐसे अनगिनत लोग हैं दोस्तों आज ए में कि जो रुक गए और उन्होंने भविष्य में होने वाली बर्बादी से अपने आप को बचा लिया। उन्होंने जो अपना बॉटम है वो थोड़ा ऊपर कर लिया, और जिसकी वजह से दोस्तों जान भी बच गई और भविष्य में होने वाली बर्बादियों से भी बच गए। लेकिन साफ तौर में पहले कदम के चैप्टर में लिखा है कि मेरे जैसे हर अल्कोहलिक का बॉटम हिट करना बहुत बेहद जरूरी है। जब तक मेरे जैसा शराबी अपना बॉटम तय नहीं कर लेता कि हाँ मेरी बर्बादी हो चुकी है, तब तक दोस्तों वो इस आगे के प्रोग्राम को लेने के लिए तैयार ही नहीं हो सकता। मेरे जैसा शराबी दोस्तों तब तक नहीं मानता जब तक उसकी जान पे नहीं बनाती। और जब मैं एए में आया था तो मेरे लिए भी दोस्तों ये जिंदगी और मौत का ही सवाल था। तो दोस्तों 2007 में मैं एए में आया था, लेकिन उसके पहले ही रॉक बॉटम का अनगिनत उदाहरणों में से एक और सबसे बड़ा उदाहरण हो गया था, वो था दोस्तों 2003 में मेरा बीमार गिरना। 2400 घंटे का शराबी था, सवेरे उठते बराबर शराब लगती थी, और आज भी याद है दोस्तों ऐसे हाथ पांव कांपते थे कि चाय का कप तो पकड़ ही नहीं सकता था मैं, दारू का गिलास भी नहीं पकड़ सकता। मेरे घर से शराब का जो अड्डा था वो 10 मिनट की दूरी पे था, लेकिन वहां तक जाने की भी ताकत मेरे अंदर में नहीं होती थी। जब तक एक पैक मेरे अंदर जाता नहीं था तो चलने की और या खड़े होने की भी ताकत मेरे अंदर नहीं आती थी। और मेरे घर के पास में ही दोस्तों एक महिला घर में शराब बेचती थी, मैं वहां जाना नहीं चाहता था। वो देसी शराब बेचती थी और मैं आखिरी दिनों में गांव की महुआ शराब पीता था। लेकिन मरता क्या न करता वो 10 मिनट के दारू के अड्डे पे जाने की ताकत लेने के लिए सारा शर्म लिहाज छोड़ के मुझे घर के करीब के उस अड्डे पे जाके पहला पैक लेना पड़ता था। और आज भी याद है दोस्तों, पहली बार शेयर कर रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्ट वैसा है, मैं उस शराब को दोस्तों देशी शराब को बिल्कुल पीने की हिम्मत ही नहीं कर पाता था। ऐसा लगता था कि ये शराब मेरे अंदर जाएंगी ही नहीं, मैं उल्टी कर दूंगा। और उस शराब के पहले घूंट को, उस ग्लास को पीने के लिए क्या क्या नए नए प्रयोग मुझे करने पड़ते थे, आज भी मैं याद करता हूँ तो वो पागलपन याद आता है। उस महिला के लड़के ने, वो भी शराब पी पी के मर गया, उसको हार्ट का अटैक आया, काफी शराबी था वो भी, शादीशुदा होने के बाद में दो बच्चों का बाप था और बहुत ही कम उम्र में वो भी लड़का गया। लेकिन उसकी बोली हुई बात आज भी याद है कि किसी को उसने बोला था कि बोले पागल हो गया, बोले आदमी, बोले
दारू में चाय डाल के पीता है, बोले। और मेरी हालत ऐसी हो गई थी दोस्तों कि वो शराब का पैक मेरे अंदर जा नहीं पाता था, तो मैं बगल की एक दुकान से चाय लेकर आता था और चाय में उस दारू को मिलाकर मैं पीता था। कभी मैं प्याज लेके दारू पीने की कोशिश कर रहा हूँ अंदर डालने की, कभी जो मिल रहा है वो चखने के तौर पे लेकर शराब का वो पहला जो पैक है, क्योंकि एक तो पैसे पैसे के लिए मोहताज रहता है शराबी, अगर वो भी उल्टी कर दिए तो बाद में और पैसा कहाँ से आएगा, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, शराब का ये जो पहला पैक है वो अंदर जाना ही चाहिए और उसके लिए जो करना पड़े सो। तो दोस्तों, उस महिला के लड़के ने जो बात बोली, तो उस महिला ने मुझे एक दिन बोले कि बोले वो बोल रहा था, बोले मेरा लड़का कि ये पागल हो गया, बोले। और ये पागलपन नहीं है तो क्या था दोस्तों? वो जो पहला पैक लेने के बाद जब बदन में ताकत आती थी, तब मैं वो 10 मिनट के अड्डे पे शराब पीने के लिए जाता था। यानी शराब ने मेरी क्या हालत कर दी? ये मेरा रॉक बॉटम नहीं है तो क्या है? अपने काम धंधे पे बैग में शराब की बोतल रखना, झूठ बोल के कई किलोमीटर दारू दारू के लिए भटकना, इसको हम क्या बोल सकते हैं? और इसी 2400 घंटे के शराबीपन ने दोस्तों आखिरकार मुझे एक लंबा झटका दिया। मैं बीमार गिरा, हाथ पाँव बिल्कुल अगरबत्ती हो गए, हड्डियों का ढांचा, मार्च अप्रैल की धूप, पीछे से भी पानी निकल रहा है, मुंह से भी पानी निकल रहा है, और उसी कमजोरी में एक पाँव से हल्का लंगड़ापन, चल ही नहीं पाता था, कमर से ही वो पाँव से अचानक लचक जाता था। और ऐसे में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, हड्डी वालों को दिखाया गया, उन्होंने 15 दिन पाँव को लटका के ट्रैक्शन देके मुझे वापस भेज दिया, लेकिन मेरे हाल में कोई सुधार नहीं। मेरे पाँव में ऐसी जलन शुरू हो गई कि मरता क्या करता। और उस वक्त दोस्तों बिल्कुल मेरा टिकट कटने ही वाला था, लेकिन फिर जीत पकड़ के, और बूढ़े माँ बाप कैसा क्या उन्होंने वो दिन बिताए मेरे, आज भी दोस्तों मैं जब याद करता हूँ तो मैं खुद कांप जाता हूँ। क्या यातनाएं मैंने अपने परिवार को दी थी। मेरी बीवी बच्चों ने दोस्तों मेरा अल्कोहलिज्म नहीं झेला, क्योंकि मेरी शादी ए में आने के बाद हुई, लेकिन मेरे माँ बाप ने बहुत बुरे दिन निकाले, बहुत तकलीफें मेरी वजह से उन्होंने भोगी। तो दोस्तों फिर दोबारा जीत करके मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, और वहाँ दोस्तों एक भगवान जैसा डॉक्टर मिला, उसने मेरी सोनोग्राफी करवाई, और वहाँ पता चला कि मुझे टीबी हो गई है। तो डॉक्टर ने साफ बोल दिया कि बोले वो तुम्हारे पाँव का मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ इस टीबी का इलाज करो, बोले। दोस्तों 5 महीने मैं बेड पे रहा, और उसके बाद में 5-6 महीने मुझे बैठा क्या लगी, एक नई जिंदगी मुझे मिली। और मैंने भी खुद विचार किया था दोस्तों कि नहीं, अब इसके बाद में शराब नहीं पियेंगे, यहाँ से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया दोस्तों कि ये अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी है, पलटवार करती है, अल्कोहलिज्म हैज ए टेंडेंसी टू रिलैप्स। अब ये सारी चीजें ए में मैं था ही नहीं, तो मुझे कहाँ से मालूम पड़ेगा, ना बीमारी का पता था ना इसकी टेंडेंसी का पता था। मैं अपने दम पे शराब से दूर था, और वो भी कंडीशनल, बीमार था, शर्म के मारे पीने जा नहीं सकता था, और हालत भी नहीं थी, तो जैसे तैसे अपने आप को 11 महीने रोक कर रखा। लेकिन जैसे ही दुरुस्त हुआ, काम धंधे पे गया, फिर एक बार में किसी का काम मैंने किया तो उन लोगों के साथ में बैठना हुआ, और ना ना कहते कहते मेरी जिंदगी में फिर शराब आ गई। अब जो आदमी अभी ही मरण शैया से उठा है, किस मुंह से दोस्तों वो शराब को छू रहा है? लेकिन बोलते हैं ना दोस्तों कि ये बीमारी बड़ी कनिंग, बैफलिंग और पावरफुल है, ऐसे भ्रम में डालती है कि पता भी नहीं चलता। और इसीलिए ए में कितने सालों से हम सोबर है ये मायना नहीं रखता, कभी कभी हमारी जुबान से निकल जाती है, अब तो शराब प्रॉब्लम नहीं है, बॉस मेरा। अरे भाई, जब तक अल्कोहलिक हो ना, तब तक शराब ही प्रॉब्लम रहने वाली है। सारे 12 कदम इसीलिए ले रहे हैं कि शराब जिंदगी में ना आए,
ये इतनी चतुर चालाक भ्रम में डालने वाली है कि कब हमको बुचकड़ा टकनारा रोग रोग कब कब भ्रम में डालेंगी और कब हम दारू के अड्डे तक पहुंच जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस बीमारी को हमेशा याद करना पड़ता है, और इस बीमारी को याद रखने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है अपना रॉक बॉटम याद करना, अपनी बर्बादी का वो तल जो मैंने छू लिया है, उस फीलिंग को, उस एहसास को हमेशा दिलो दिमाग में बिठाल के रखना कि मैं कहां से उठ के आया हूँ, क्या क्या दिन मैंने देखे हैं। सर्चिंग एंड फियरलेस इन्वेंटरी, खोज खोज के निर्भयता पूर्वक अपनी छानबीन, उसमें ये सारी चीजें याद आती है दोस्तों। तो जैसा मैंने बताया, ये सारी चीजें भोगने के बाद में भी दोस्तों मैं नहीं माना, फिर दोबारा शराब आई और फिर उसके बाद हाल तो और बद से बदतर, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, जुबान दांत में फंस जाना, पता ही नहीं चलता था कि क्या हो गया। इन 2 साल के लॉकडाउन में ही ऑनलाइन मीटिंग्स में पता चला, उसको रम फिट्स कहते हैं, मुंबई के जो नीलकंठ भाई है उन्होंने अपने अनुभव में एक दो बार शेयर किया कि बहुत सारे अल्कोहलिक के साथ में ये होता है, अचानक चक्कर आके गिर जाना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, और उस वक्त क्या हुआ पता ही नहीं चलता। तो ऐसे 4-5 मेरे साथ हुआ। ये मेरे दोस्त जो साथ में थे वो घबरा गए थे कि अरे क्या है, ये मिर्गी तो नहीं है। लेकिन फिर जैसे ही दौरा गया, उठ के खड़े हो गए कि फिर सर आपके अड्डे पे। तो आखिर मैं क्या क्या याद करूं दोस्तों, और क्या क्या आपको बताऊं, इतनी लंबी कहानी है और इतने अनुभव है कि बताते बैठे तो न जाने कितना समय बीत जाएगा। लेकिन इतना होने के बावजूद भी मेरे जैसा शराबी दोस्तों मानने को तैयार नहीं होता, या फिर ये समझ लीजिए कि हम अल्कोहलिज्म की ऐसी गिरफ्त में होते हैं कि सब कुछ जानने के बाद में भी हम दोस्तों शराब को आसानी से हम अपने से दूर नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो क्रेविंग होती है, जो मेंटल ऑब्सेशन होता है, वो हमको अपनी गिरफ्त में लेता ही लेता है। लेकिन जब हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आते हैं तो स्थिति बदल जाती है। यहाँ हमको बीमारी का भी पता चल जाता है, अपनी वास्तविकता का भी पता चल जाता है, और कैसे इस बीमारी से बचना, क्या बदलाव अपने अंदर में लाना, ये सारी चीजें ए में आने के बाद में हमारे सामने में रखी जाती है, और अब हमारे पास में कोई बहाना नहीं होता। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद सही मायने में दोस्तों मेरे रॉक बॉटम मुझे याद आए, आप लोगों के अनुभव से मुझे आइडेंटिफिकेशन मिला, पहचान मिली। ये का मैसेज मेरे ही दोस्त ने मुझे दिया था, हम साथ में ही शराब पिया करते थे, 2 महीने से वो शराब से दूर थे, और उन्होंने जब मुझे बताया कि पहले किसी व्यसन मुक्ति केंद्र में वो भर्ती थे, उनसे नहीं हो पा रहा था रह के, और वहाँ से आने के बाद में वो एक मीटिंग उन्होंने ज्वाइन की, तो एक लाइब्रेरी में हम एरिया के बैठते थे और तब वो ए के बारे में बताते थे। मगर देखो एक देवड़ा कितना शाहाना रहता है और कितना ओवर कॉन्फिडेंट रहता है, इतना सब कुछ झेलने के बाद में भी मैं आसानी से, जब उन्होंने मैसेज दिया तो मैं मीटिंग में आने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं उनको ये बोलता था कि यही बैठते जाएंगे ना, यही आप मुझे बताते जाना मीटिंग के बारे में क्या होता है क्या नहीं। मेरे दोस्त का शुक्रिया, ये आभार मानना भी ए में आने के बाद ही सीखने को मिला, नहीं तो मैं तो बहुत बेईमान इंसान हूँ। कितने लोगों ने मेरी मदद की, दोस्त भाई रिश्तेदार काम धंधे पर के लोग, लेकिन आभार मानना अपने लिस्ट में ही नहीं था, अव्वल दर्जी का स्वार्थी और बेईमान। तो आज मैं आभार मानता हूँ सबका, सबके प्रति आभार है, जिन जिन लोगों ने इस नई जिंदगी में मेरा मुझे सहयोग किया है। उस दोस्त का आभार जिसने मैसेज दिया और उसने समझाया कि नहीं बोले इससे काम नहीं चलेगा, मीटिंग में आना पड़ेगा, और मेरे पास भी दोस्तों कोई दूसरा तीसरा रास्ता नहीं था, एक अंतिम पर्याय था। मेरा दोस्त मेरे सामने में एक सबसे बड़ा उदाहरण था, उसका रॉक बॉटम भी मैंने देखा था, बहुत ही खराब परिस्थितियों में वो सोबर हुआ था, और वो मेरी होप एंड स्ट्रेंथ थी। ये आदमी दारू से दूर हो सकता है, मेरा दोस्त
तो जरूर मैं भी हो सकता हूँ। और उसके साथ में दोस्तों मैं एक ही मीटिंग में आया, और जो एक ही मीटिंग में आने के बाद में मेरी पूरी मानसिकता बदल गई। आज भी मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जो जुनून, जो पागलपन शराब के मामले में था, वही जुनून, वही पागल इस एक ही मीटिंग के बारे में पैदा हो गया। और भगवान का शुक्रिया है कि वो ऑब्सेशन, इस मीटिंग, इस फेलोशिप के बारे में वो जुनून आज भी 14 साल के बाद में बिल्कुल जैसे का वैसा है। और इसीलिए दोस्तों आज मैं सोबर हूँ और अच्छी जिंदगी भी जी रहा हूँ। तो इस मीटिंग में आने के बाद ही वो मिरेकल्स हुए, मेरी हायर पावर मुझे मिली, मेरे से पावरफुल ताकत, मेरी समझ का ईश्वर, जिस पर जैसे ही मैंने विश्वास किया उसने दोस्तों अपना करिश्मा दिखाना शुरू कर दिया। एक सैनिटी आई, सद्बुद्धि, मुझे याद आने लगा कि यार कितना गिरा हुआ बेवड़ा है, क्या क्या करके नहीं आया तूने, सारे सारे किस्से दोस्तों याद आने लगे। कैसे मेरी बगल वाली एक बूढ़ी दादी, उसको निराधार लोगों को जो सरकार से मानधन मिलता है, तो वो पैसा दोस्तों अपने पास नहीं रखती थी, क्योंकि उसके घर के लोग वो पैसा उससे ले लेते थे। और मेरी बड़ी दोहरे किस्म वाली, दोहरी पर्सनैलिटी वाला इंसान, लोगों को दिखाने के लिए और कुछ, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सभ्य लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, और अंदर से शराब ने मुझे चोर, उचक्का, बेईमान बना दिया था। तो दोस्तों वो बूढ़ी दादी की याद आ गई ए में आने के बाद, कि कैसे वो अपने घर के लोगों से पैसा बचा के मेरे पास जमा करती थी, मेरा भरोसा करके अपनी पासबुक तक उसने रख दी थी कि उस पासबुक में उसका पैसा मैं जमा करूं। लेकिन मेरे जैसा जो बेवड़ा होता है, दारू का आदि होता है, सबसे पहले तो दारू पीने के लिए उसको पैसा लगता है, और ओवर कॉन्फिडेंस तो ऐसा रहता है कि लाखों का कर्जा आज कर लेंगे, बहुत कल चुकता कर देंगे, पर लेना आता है, देना आता ही नहीं। अच्छे से अनुभव किया दोस्तों मैंने। तो वो बूढ़ी दादी जो पैसा जमा करती थी, कोई ज्यादा अमाउंट भी नहीं था, 2-3 हजार रुपए का ही अमाउंट था जो उसने 500-600 देती गई। और जैसे जैसे वो देती गई, उसके पासबुक में जमा करने की बजाय बैंक में मैं उसकी दारू पीते चले गया। और दोस्तों जब उसको गरज गिरी पैसों की, मैं अल्कोहलिज्म में था, मैं उसका पैसा वापस नहीं कर पा रहा था, वो मुझे कुछ बोलती भी नहीं थी, मेरे घर के दरवाजे के सामने में आके बैठ जाती थी। मेरी माँ बड़ी समझदार थी, वो कहीं तो भी दोस्तों उस बात को समझती थी, और वो कहीं तो भी कहीं से जुगाड़ करके थोड़े थोड़े पैसे उसको देती थी। तो ये कितनी गिरावट है दोस्तों, कि मेरे जैसा पढ़ा लिखा समझदार इंसान, चार अच्छे लोगों में बैठने वाला, नाम कमाने वाला, अच्छे प्रोफेशन में मैं जा चुका था, और शराब ने मेरी क्या हाल कर दिया था। मैं अच्छा गाना गाता था, मैं अच्छे गीत गजल लिखता था, मेरे आकाशवाणी रेडियो के प्रोग्राम होते थे, शहर के अच्छे बड़े कवि शहरों में मेरी बैठक थी, और मेरी आखिरकार शराब भी पन्ने क्या हालत कर दी थी कि मैं शराब के अड्डों पे पड़े रहता था, जरायम पेशा लोगों के साथ में शराब पीता था, जो मेरे नजदीक नहीं आप बैठ सकते थे, ऐसे लोगों के साथ में मैं दारू शेयर करता था। मगर दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आने के बाद ही मैंने अपने इन सारे रॉक बॉटम को पहचाना, और आखिरकार मुझे तय करना पड़ा आप लोगों के अनुभव से, मुझे वो आइडेंटिफिकेशन मिला कि अब जितनी बर्बादी हुई है, हो चुकी है, यहाँ ठीक है, अपना बॉटम तय कर लो। ये एक जो हमारे अंदर कीड़ा बुलबुलाते रहता है दूसरों से तुलना करने का, कई लोगों को मैंने ए में आने के बाद भी देखा है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम वो कीड़ा मेरे जिंदगी में काम नहीं किया, कि नहीं यार अपनी उतनी तो बर्बादी नहीं हुई, अपना ऐसा थोड़ी है, सब कुछ नीलाम हो चुका है, सड़क पे आ चुके हैं, अभी कुछ ही दिनों के मेहमान है, मगर मानने को तैयार थे। लेकिन दोस्तों भगवान का शुक्रिया इसीलिए अदा करता हूँ कि मैं ए में आने के बाद में इस तुलना में नहीं गिरा कि भाई लोगों की तो बीवी बच्चे चले गए, मेरी तो गई नहीं,
लोगों की नौकरी गई, मेरी तो गवर्नमेंट सर्वेंट ही नहीं हूँ, लोगों ने लाखों का कर्जा कर लिया, घरदार बेच दिया, अपना तो ऐसा नहीं बॉस, अपना तो एक्सीडेंट नहीं हुआ। अरे भाई मेरी जितनी बर्बादी हो चुकी थी वो क्या कम थी? 35 किलो का वजन, हवा का झोंका, ए में आने के बाद में भी शुरुआती दिनों के मेंबर जानते हैं, गाल अंदर, पेट अंदर, मेरी कमर, पेट और पीठ दोनों एक हो गई थी। ऐसा हवा का झोंका था मैं जब ए में आया था, और कई साल तक मेरी हालत ऐसी ही थी। मानसिकता खराब, सामाजिक बहिष्कार, सोशल बायकॉट, आर्थिक स्थिति खराब, दारू से लेके तो खाने से लेके मैं अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं था, मैं घर के लोगों पे डिपेंड था और कुछ ही दिनों का मेहमान था। जैसा बताया मैंने कि सवेरे उठते बराबर शराब, चक्कर आके गिरना, हाथ पाँव टेढ़े हो जाना, कुछ कर्जे थे जो कर्जे आज याद आता है कि बहुत कम कर्जे थे, लेकिन वो कर्जे दोस्तों मुझे सोने नहीं देते थे। हेलुसिनेशन में मैं जीता था। एक साहूकार से मैंने पैसा लिया था, वो साहूकार दिन रात मुझे नजर आता था। शराब के कोहरे ने मानसिकता ऐसी खराब कर दी थी कि मुझे पंखे से आवाज आती थी। रात को ऐसा भ्रम होता था कि नजदीक पास में कहीं तो भी ऑर्केस्ट्रा चल रहा है या गीत भजन चल रहे हैं। सड़कों पे जब मैं निकलता था तो मुझे लगता था कि गाड़ियां मेरे शरीर पे आ रही है। क्या हाल हो गया था मेरा। लेकिन दोस्तों थैंक गॉड ए में आने के बाद में ये सारी चीजें दोस्तों आप लोगों के अनुभव से मैंने समझी, मैंने स्वीकार किया कि हाँ मेरी बर्बादी हो चुकी है, मैंने अपना बॉटम हिट कर लिया है। अब शराब मेरे लिए जीवन और मौत का सवाल बन चुकी है। अब यहाँ मैंने अगर ज्यादा किंतु परंतु लगाया, ज्यादा अकल होशियारी अगर मैंने की, तो फिर अब दो ही रास्ते हैं। पागल तो मैं हो ही चुका था, अकाली मौत का शिकार होने वाला था, मगर दोस्तों ग्रेस ऑफ गॉड मैंने इस बीमारी का स्वीकार किया। हाँ मैं अल्कोहलिज्म की बीमारी में आ चुका हूँ, मैं एक अल्कोहलिक हूँ, मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, अपनी जिंदगी को ठीक नहीं कर सकता, मेरी जितनी बर्बादी हुई है उतनी मेरे लिए काफी है। मैं एक नई जिंदगी जीना चाहता हूँ, एक उपयोगी जिंदगी जीना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम पे मैंने 100% सरेंडर किया, अपनी हार मानी, अपने अहंकार को कम से कम शराब के मामले में एक बाजू में रख दिया, और वहां से दोस्तों मेरी जीत शुरू हुई। वो जीत का घोड़ा आज भी उस पे मैं सवार हूँ, और एक ही मदद लेके, भगवान की मदद लेके बहुत ही बढ़िया अपना जिंदगी का सफर मैं काट रहा हूँ। उस सफर में आप सभी लोग मेरे सहभागी हैं। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे ही उस घोड़े के सफर पे मैं चलते रहूं, आप लोगों का भी साथ मुझे मिलता रहे। इतना ही कह के दोस्तों मैं अपनी शेयरिंग खत्म करता हूँ। थैंक यू।